हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो मुझे नहीं लग रहा था कि इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि लोग इसमें बहुत सारे लोग मुझ पर मरे ऊपर मतलब हंसेंगे भी और बोलेंगे भाई आपने ऐसा गलती क्यों कर बैठा है। सो दोस्तों, मैंने आज तक मतलब वीडियो के चक्कर में आप लोग मालूम होगा कि मैंने बहुत सारा दिखाया है, कहीं पर भी कुछ भी हो जाता था तो कंट्रोवर्सी कहीं पर हो रहा है, लड़ाई झगड़ा, तो सारा चीज़ क्योंकि यूट्यूब से मतलब इतना ज़्यादा मतलब मैं काम करते करते मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा हाई हो गया कि मुझे क्या सही है क्या गलत है सारा चीज़ पता चल जाता है। बट क्या होता है कि दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कोई लोग मतलब जो लोग मोटिवेशनल स्पीच देते हैं और वो अच्छे तरीके से लोगों को समझाते हैं बताते हैं, वो लोग भी कोई ऐसे चीज़ें में फंस जाते हैं जिसको आप लोग मतलब उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि भाई आपसे ये गलती कैसे हो गया। मतलब आप किसी को जानते हो कि आप जान रहे हो भाई उसका मार्केट में फीडबैक क्रेडिट सब कुछ अच्छा है, फिर वो भाई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, आप लोग को मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं ये वीडियो बहुत ही सोच समझ के बना रहा हूँ और हमने जो गलती किया दोस्तों, वो गलती आप लोग को नहीं करना। सो दोस्तों, आज से मैंने 3 साल पहले एक वीडियो मैंने बनाया था कि मेरे साथ में एक फ्रॉड हुआ था, बहुत बड़ा फ्रॉड, बहुत बड़ा मतलब क्या छोटा अमाउंट बोल सकते हो, ज़्यादा नहीं 5,000 का, यानी कि 5K के जो एक तरह से बोल सकते हो, वो अमाउंट का मेरे साथ फ्रॉड हुआ था। वो मेरा एक आईडी से फ्रॉड हुआ था, मतलब किस तरह की आप लोग को मालूम हो गया, बहुत सारा स्कैम हो रहा है कि सोशल मीडिया में क्या होता है कि किसी का आईडी का होता है कि वो मतलब हैक कर लेता है हैकर लोग और उसमें मैसेज छोड़ता है और बताता है कि मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ। अब उनके करीबी जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि भाई सच में क्या होगा, अगर वो थोड़ा सा यहाँ पर माइंड को अपना वो चेंज नहीं करते कि अगर उनके पास प्रॉब्लम है तो भाई मैसेज में मैसेंजर में क्यों बात कर रहे हैं। तो आदमी एक जाहिर सी बात होती है कि आजकल लोकल भाषा जो भी होता है तो मैसेंजर में ये सारी चीज़ में लोकल में कोई नहीं बात करता है, अगर हम खट्टा बोलते हैं तो खट्टा में कोई नहीं बात करता है, बंगला बोलते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि बंगला में ही अगला आदमी आपसे टाइपिंग करेगा, नर्सरी के भाई जो हम लोग का मातृभाषा उसी में बात करता है। तो मैं आज से पहले 2 साल पहले या 3 साल पहले मैं फंसा था एक फ्रॉड में, 5,000 स्कैम हुआ था मेरे साथ। वो तो मैंने उस टाइम से सोच लिया था कि भाई अगर किसी को कोई मैसेज कर रहा है किसी का आईडी है कोई दिक्कत नहीं, एक बार अच्छी तरह से वेरीफाई करेंगे उसके बाद ही पैसा को भेजेंगे। तो मेरे पास आज से 2-3 साल पहले एक फ्रॉड हुआ था 5,000 का, उस टाइम मैंने सोच लिया था और आज तक मुझे कोई फ्रॉड नहीं कर पाया। वो वीडियो इस चैनल में ही है, स्कैम ब्लॉग में आप लोग देख सकते हो। और दोस्तों, रिसेंटली में अभी क्या हो रहा है कि आप लोग देख रहे हो कि भाई मैं कभी सोच रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक यूज करूँ, क्योंकि मेरा कंटेंट तो भाई था स्कैम ब्लॉग में इंटरव्यू सेलिब्रिटी का लेना है, यहाँ वहाँ जाना। तो दोस्तों, क्या हो रहा है कि जब से मेरा लाइफ में क्या हुआ कि मैं धनबाद छोड़ा, यानी कि जब से मेरा मैं शादी किया उसके बाद क्या हुआ कि बच्चा हुआ, उसके बाद बहुत सारा ऐसा सा प्रॉब्लम आने लगा कि भाई घर गृहस्थी में पड़ गए, तो मैंने ये नहीं सोशल मीडिया को छोड़ा नहीं यार। आज भी जो वीडियो बना रहे हैं भाई आप लोग के लिए बना रहे हैं, ये एक बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है आप लोग के लिए। आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, हो सकता है वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा लेकिन ये स्किप नहीं कीजिएगा, आप लोग देखिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना कमेंट्स जरूर कीजिएगा। सो दोस्तों, जब से मैंने शादी उदी किया, जो भी बहुत सारा लाइफ में सबका उतार चढ़ाव होते रहता है, तो मैं जब आया घर आया वापस इधर से अपना धनबाद से, तो बहुत सारा वीडियो मैंने डाला कि मेरा व्यू नहीं आ रहा था, मेरा वीडियो वायरल नहीं हो रहा था, उसके बावजूद मैं वीडियो डालता था, इसलिए क्योंकि दोस्तों ये एडिक्शन है एक तरह से बोल सकते हो कि व्यू अगर भी नहीं आ रहा है आपका चैनल में मतलब सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, तो बहुत सारे लोग जो कि नया नया लोग हैं जो वो लोग मतलब क्या होता है ना कि भाई वो लोग परेशान हो जाते हैं कि मेरे चैनल में व्यू नहीं आ रहा है, मेरा वीडियो वायरल नहीं हो रहा, बहुत सारा दिमाग सोचने लगते हैं, क्योंकि उन लोग को सिर्फ पैसा कमाना है, क्योंकि उन लोग अचानक से आता है अचानक सोचते हैं कि हम पैसा कमा लेंगे। तो भाई यूट्यूबर ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया में हर जगह पैसा लोभ करके आते हैं कि भाई तुरंत कमाएंगे, तुरंत कोई भी जगह में पैसा नहीं मिलता, तो ये सारी चीज़ें होता है, प्रॉब्लम ऐसा होता है। बट क्या हो रहा है कि दोस्तों, मेरा चैनल में 1,10,000 सब्सक्राइबर है, उसके बावजूद भी मैं वीडियो डालता हूँ, ठीक है। अभी 2-3 रोज से वीडियो में नहीं डाल रहा था, अभी हाल फिलहाल में क्या हो गया, मुझे एक पार्टी के तरफ से मुझे सोशल मीडिया प्रभारी बना दिया गया है, तो उसके लेके मैं रिसेंटली एक वीडियो डाला हूँ जो कि JBKSS के ऊपर है। सो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं, मतलब वीडियो मेरा बनेगा ही, चाहे मेरा किसी भी उम्मीद मतलब जो भी होगा, मेरा मतलब पैसा आए चाहे नहीं आए यूट्यूब से मैं उम्मीद भी छोड़ दूंगा, बट सोशल मीडिया में नहीं छोड़ सकता, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का रीज़न मुझे ये है कि दोस्तों, मुझे हाल फिलहाल में ज़्यादा नहीं, जब से मैं घर से आया मतलब वहाँ से धनबाद से जब से मैं घर में हूँ, तो मेरे दिमाग में बहुत सारा आने लगा, क्योंकि दोस्तों मेरे साथ में आप लोग मालूम है कि मैं पार्ट टाइम अपना एक गाड़ी लिया कार लिया हूँ जो मेरे बैकग्राउंड में अभी देख रहे हैं, तो इसके चला के मैं किसी तरह अपना आजीविका चलाता हूँ। और जब से मतलब धनबाद में था उस टाइम से मेरी वाइफ वहाँ पर जॉब करती, तो उसके तरफ से भी कुछ इनकम आ जाता था। तो क्या होता था कि दोस्तों, हम लोग यूट्यूब सिर्फ शौक के लिए करते थे कि जो भी अगर 1 रुपया भी आ रहा है भाई यूट्यूब का वीडियो से, मेरा एक वीडियो से, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को तो भाई साइड इनकम है ना। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर व्यू नहीं आता है या तो प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसके पास कोई साइड इनकम है नहीं, आप उसमें ही सब कोई मतलब डिपेंड हो जाता है, यूट्यूब के ऊपर हो सकता है या तो किसी के ऊपर डिपेंड हो जाता है। अभी हो रहा है कि मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन है कमाने का सोर्स है इस तरह, तो मैं ज़्यादा डिमोटिव नहीं होता कोई भी चीज़ में कि भाई कमा लेंगे, क्योंकि मेरे पास सोर्स बहुत सारा है और मैं यूट्यूब का पार्ट टाइम में अभी भी रखा हूँ। सो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मतलब इतना सारा उदाहरण देने का कारण ये है,
कि दोस्तों मैं कुछ दिन मतलब कुछ दिन पहले से मतलब जब से मैं घर आया हूँ 4 महीना मरा हुआ, 4 महीना में मुझे एक बोल सकते हो बुरा लत लग चुका था मेरे ऊपर में। बोल सकते हो कि आप लोग को मालूम होगा बहुत सारा एप्लीकेशन है जो कि ऑनलाइन अर्निंग का एप्लीकेशन है। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ सीन हुआ कि मैंने एक एप्लीकेशन पर अच्छा खासा पैसा लगाया, मतलब क्या ज़्यादा अमाउंट मेरे लिए नहीं था 5,000 रुपये, और बहुत के लिए भाई 5,000 रुपये बहुत ज़्यादा होगा। तो आप लोग को पहले वीडियो में पहले बताया कि 5,000 मेरा कुछ दिन पहले फ्रॉड हुआ था। तो मैं क्या हुआ कि घर में मुझे कोई काम नहीं है, तो घर में बहुत सारे लोग कमा रहे हैं आसपास के, वो गाड़ी ले लिए, घर बना लिए करके भाई मैं लोभ के चक्कर में 5,000 रुपये उसमें ऐड किया। और भाई ऐड करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे तो कोई काम नहीं मिल रहा था, गाड़ी एक दो रोज में बुकिंग आ रहा था। ऐसे कर करके भाई दोस्तों आज के डेट में मुझे 1,00,000 रुपये का पूरा लॉस हो गया है। आप लोग समझ नहीं पाओगे, मेरा माइंड मतलब 2-3 दिन बाद मतलब काम नहीं कर रहा था पूरा। उसके बाद मुझे कहीं से एक मोटिवेशनल मिला कि भाई मेरा तो लाइफ जो भी है नहीं है, चलो 1,00,000 रुपये मैंने सोचा कि एक्सीडेंटल हो गया, मेरे साथ बड़ा घटना हो गया, तो चलो मेरे साथ मेरे मतलब ये सारे प्रॉब्लम हुआ, तो मैं उसे छोड़ के उस गेम को वहाँ से मैं निकल चुका हूँ। सो दोस्तों ये गेम में इतना ख़राब था कि मुझे अगर आप लोग से अगर बात भी कर रहे हैं ना दोस्तों, तो मुझे मतलब वीडियो एंडिंग करने के बाद वही गेम में खेलता था, इसलिए मैं पर डे अपडेट नहीं हो पा रहा था। और कारण ये था कि मुझे 1,00,000 रुपये का लॉस हो गया है। और दोस्तों मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग ऐसा गेम ना खेले, जो भी ऑनलाइन अर्निंग गेप है मतलब गेम है, आप लोग ऐसा चीज़ आप लोग गलती कभी नहीं करना। ये वीडियो बस आप लोग के लिए है, और इसमें बहुत सारा आप लोग को दिक्कत हो सकता है दोस्तों। चलो मैं तो बैकअप कर लूँगा, कहने का मतलब है अगर मेरा कहीं जॉब अगर 12,000 रुपये आएगा, मुझे अगर मेरा ऊपर 20,000 का कर्जा है, अगर मैं कहीं 2-3 महीना जॉब कर लूँगा 10-12,000 का, तो मैं तो रिकवर कर लूँगा। लेकिन दोस्तों आप लोग अगर उस गेम में अगर फंसते हो, आपका अगर मेहनत का कमाई है 5,000, 10,000, 20,000 जो भी है, अगर जो लोग भी अभी भी खेल रहे हैं भाई, तो आप लोग कमेंट्स करना और बताना कि भाई का आपने अभी जीता है ना, रिकवर किया। अगर जीता है तो अभी भी क्यूट कर दो इस गेम को, और ये गेम के भी बारे में बताएंगे, और ये नशा किस तरह का है ये वीडियो, इसके बाद जो वीडियो है उसमें भी आप लोग को बताएंगे क्या हुआ था, क्या क्या मैंने किया है इस गेम के चक्कर में। सो दोस्तों मैं अभी तक 1,00,000 रुपये का लॉस हो चुका है। फिलहाल क्या हुआ कि मुझे एक आदमी के पास जिसके पास मैं गया, तो वहाँ से मुझे मोटिवेट मिला, मैं पॉजिटिव पूरा हो चुका हूँ। और अभी तक मैं बता रहा हूँ कि अभी मैं बैंक से आ रहा हूँ भाई, मेरे क्रेडिट कार्ड के ऊपर से भी मैंने लोन लिया हुआ था, वो पैसा मैं किसी से ले कर अभी रिकवर करके आ रहा हूँ। फिलहाल मेरे ऊपर भाई जो भी मेरा सिविल डाउन होने वाला था उसको अभी मुझे बचाना है। तो ये सारे चीज़ें दोस्तों मेरे मतलब समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँगा तो करूँ क्या। चलो मेरा दिमाग में तो आ गया मैं रिकवर कर लूँगा और मैं इस जगह से निकल गया हूँ। आप लोग कैसे निकले वो ये बताना, और जो भी भाई ऑनलाइन अभी गेम खेल रहे हो, अर्निंग करने का सोच रहे हो, खेल भी रहे हो, वो कमेंट्स करके बताना। फिलहाल ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, और आप लोग को ये वीडियो में जो भी राय देना है भाई, मैं पूरा मतलब दिमाग काम ही नहीं कर रहा फिलहाल के लिए, मैं सारा चीज़ छोड़ चुका हूँ। और मुझे अभी कैसे मतलब आगे का, क्योंकि उस गेम से रिकवर मेरा होगा नहीं 1,00,000 रुपये, ये मैंने समझ लिया है। और अभी मेरा कुछ ऐसा ही समय चल रहा है, पता नहीं लोग बहुत सारे बातें बोल रहे हैं कि भाई तू तुरंत मतलब तुम आके प्रोग्रेस में आ गया है, तो तुम्हारा माइंड में भी आएगा लालच आ गया कि तुम और ज़्यादा हाईलाइटेड में प्रोग्रेस में जाएगा, इसलिए तेरे ऊपर आदमी लग गया। तो ऐसा चीज़ मैं नहीं मानता हूँ, बात बाकी आप लोग कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और भाई अपना कमेंट जरूर देना। हाँ हो सकता है भाई बहुत सारे भाई हंसेंगे गाली भी देंगे, तो मेरा जो दिल का बात है मैंने आप लोग को शेयर कर, हमेशा मैं भाई कुछ ना कुछ अपने मतलब मैं किसी से छिपाता नहीं हूँ, मेरे फैमिली वालों को भी पता चल गया। बट क्या है कि फैमिली वाले को मैंने नहीं लिया, पैसा बर्बाद नहीं किया, मैंने जो भी अपना मेहनत का किया तो वो मेहनत से ही मैं ले आऊँगा, ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं। बस आप लोग जो भी अपना कमेंट्स करना, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स करके अपना राय जरूर देना। तब तक के लिए बाय बाय।